एक स्टडी के अकॉर्डिंग 97% स्टूडेंट जो है वो सेल फोन से डिस्ट्रैक्टेड है, यानी कि 97% स्टूडेंट्स कंप्लीट वर्ल्ड में ऐसे हैं कि अगर कोई एक मैसेज आ जाए तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अगर उनकी फोटो अगर उन्होंने कहीं अपलोड की है उस पर कोई कमेंट आ गया तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अगर उनके पर्सनल कोई इन्फ्लुएंसर है कोई जिन्हें वो पसंद करते हैं अगर उनकी कोई वीडियो आ गई तो वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अगर उनके दोस्त इकट्ठे हो गए तो उन्हें गेम खेलना है, चाहे वो पबजी हो चाहे फिर वो अदर गेमिंग हो, फ्री फायर हो या फिर कोई भी गेम हो, गेम खेलने में वो डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। मतलब अगर सिर्फ एक आपके फोन से आवाज आई ट्रिंग तो आपका ध्यान यहां से, मतलब जो आप कर रहे थे वहां से हटने में एक सेकंड भी नहीं लगेगा और आप दूसरी तरफ चले जाएंगे। क्या आप भी उन्हीं 97% स्टूडेंट्स में से हैं? अगर हाँ तो ये वीडियो बच्चों आप ही के लिए है और इस वीडियो में हम लोग इस डिस्ट्रैक्शन नाम की चीज को किस तरीके से किल करना है इसके बारे में डिस्कस करेंगे। मैं 5 स्टेप्स आप लोगों को बताऊंगा जो आप लोगों को अपनी डे टू डे लाइफ में अप्लाई करने हैं और जब आप इन्हें अप्लाई करेंगे देन आप फील करेंगे कि चेंजेस किस तरीके से आ रहे हैं। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं आप सभी लोगों से हाउ टू किल योर डिस्ट्रैक्शंस। और उससे पहले एक बात बताना चाहूंगा, अगर आप अपनी लाइफ में कभी भी कुछ भी अचीव करना चाहते हैं, कभी भी किसी भी फील्ड में सक्सेसफुल होना चाहते हैं और वो इतना जरूरी नहीं है आपके लिए जितना जरूरी आपके लिए सांस लेना है, तो आप सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लेकिन अगर आपका सक्सेसफुल होना आपके सांस लेने जितना जरूरी है तो आप सक्सेसफुल होंगे और आपको कोई भी नहीं रोक पाएगा। तो आइए बच्चों शुरू करते हैं इस वीडियो को और देखते हैं वो क्या है 5 तरीके। सबसे पहली चीज एंड द वेरी फर्स्ट वे, पहला तरीका क्या है बच्चों, प्लान योर डे। और प्लान योर डे में आपको करना क्या है, आपको एक दिन पहले तो ये पता होना चाहिए कि आप अगले दिन क्या करने वाले हैं। आप एक चार्ट बनाइए कि आपको क्या क्या चीजें करनी है, ठीक है। तो जैसे मान लीजिए कल मंडे है तो मंडे को आप क्या क्या करने वाले हैं आप संडे की रात को ही तय करेंगे, ये चीज आपको प्लान करनी है। अब इस प्लान में सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये नहीं है कि आप क्या करने वाले हैं, सबसे ज्यादा जरूरी चीज ये है कि आप क्या नहीं करने वाले हैं। और प्लान करने से कभी नहीं डरना है कि मेरे जो प्लान्स हैं वो फुल नहीं होते हैं। बच्चों देखो 100% प्लान किसी के फुलफिल नहीं होते, लेकिन वो 60-70% भी हो रहे हैं। इसका मतलब आप 60-70% अपने अकॉर्डिंग चल रहे हैं और ऐसे दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो चीज डिसाइड करते हैं वो उतने परसेंट पर कर पाए। तो आप अगर 60-70% कर रहे हैं यू आर वेरी वेल इनफ, तो इसका मतलब आप बिल्कुल सही जा रहे हैं, आप इस काम को करें एंड प्लान आउट योर डे। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, द नेक्स्ट पॉइंट इज यूज सोशल मीडिया एट सेट टाइम्स। कहने का मतलब बस इतना सा है बच्चों, जब आप सोशल मीडिया को यूज करते हैं, चाहे आप इंस्टाग्राम की रील्स देख रहे हो, चाहे आप यूट्यूब की शॉर्ट्स देख रहे हो या फिर यूट्यूब पर्टिकुलर कोई वीडियो देख रहे हो, आप डिसाइड करिए कि आप कौन सी चीज को कितनी देर देखने वाले हैं। जैसे कि अगर आप व्हाट्सएप यूज कर रहे हैं तो आप डिसाइड कीजिए आप दिन में 25 मिनट व्हाट्सएप यूज करेंगे, 30 मिनट इंस्टाग्राम यूज करेंगे, 1 घंटा यूट्यूब यूज करेंगे। अगर आपको डिसाइड करना है आप डिसाइड करो और एक ऐप को डाउनलोड करो डिजिटल वेलबींग करके। उसमें क्या है कि आप हर एक ऐप को पर्टिकुलर टाइम दोगे कि ये ऐप 1 घंटा चलेगी मेरे फोन में, उसके बाद ये ऐप ऑन ही नहीं होगी। व्हाट्सएप को अगर आपने 25 मिनट दे दिए उसके बाद वो ऑन ही नहीं होगा। तो ये चीज आपको अपने साथ अपनानी होगी, तब जाकर के आप जितने भी आपके सोशल मीडिया जो एप्स हैं उनके ऊपर आप रिस्ट्रिक्शन लगा पाओगे और एक सेट टाइम के अंदर ही उन्हें देख पाओगे। एक तो उनकी टाइमिंग भी सेट करो कि कितने से कितने बजे तक देखना है या कितने से कितने बजे तक यूज करना है, और ये भी सेट करो कितने टाइम तक देखना है, मतलब 5 से 6 देखना है और उसके बीच क्या देखना है ये चीज भी फिक्स करो बच्चों, तभी जाकर के आप कमांड कर पाओगे क्योंकि यू आर द कंट्रोलर ऑफ योर लाइफ बच्चों, तो आपको इसके ऊपर कंट्रोल लेना होगा। सो क्या करना है, दूसरा स्टेप क्या है, यूज योर सोशल मीडिया एट योर सेट टाइम्स, टाइम यूज करने का भी और कितनी देर ऐप चल रही है इन दोनों का यूज करना है। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की, द थर्ड पॉइंट सर्व द अर्ज। सर्व द अर्ज का मतलब क्या है, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे सर जब मेरे पास नोटिफिकेशन आएगी तो मैं कैसे रुकूंगा, इसके लिए तो कुछ बताओ। देखो सर्व द अर्ज का मतलब क्या है, ये बहुत बड़ी स्टडी की गई थी स्मोकिंग के ऊपर की गई। जब कभी भी स्मोकिंग की अर्ज होती है तो लोगों के ऊपर स्टडी की गई कि स्मोक यानी कि जो सिगरेट थी वो सामने रखी गई और आपको अपने अंदर जो है वो जो वाइब्रेशंस हैं वो जो सेंसेशंस हैं उनको ऑब्जर्व करना है बच्चों, उनको देखना है कि वो एक्चुअल में हो क्या रहा है आपकी बॉडी में। सिर्फ आधा घंटा अगर आपके सामने चीजें पड़ी हुई हैं, अगर आपके सामने आपका फोन पड़ा है उसमें नोटिफिकेशन आई हुई है बट स्टिल यू आर ऑब्जर्विंग योरसेल्फ, 1 हफ्ता लगेगा और 1 हफ्ते में आप लोगों
नोटिफिकेशन के पास पहुंचना भूल जाएंगे, छोड़ देंगे, बिकॉज आपकी बॉडी ऑब्जर्व करने लग गई है कि नहीं उसको जरूरत नहीं है। अगर नोटिफिकेशन बजी और तुरंत के तुरंत अगर आप लोगों ने यहां पर फोन उठा लिया और बस कुछ ना कुछ करने लग गए, तो कभी भी आप इसको कंट्रोल नहीं कर सकते। सो यू मस्ट हैव टू सर्व द अर्ज। आपके पास नोटिफिकेशन आए, रुको, देखो, ऑब्जर्व करो, नोटिफिकेशन के पास नहीं जाना। So, इस पॉइंट को, ये जो थर्ड पॉइंट है बच्चों, इसको बहुत जरा ध्यान से आप लोगों को यूज करना है। इसलिए मैंने सोशल मीडिया वाले पॉइंट के बाद इस वाले पॉइंट को रखा। सो आई होप समझ में आया होगा कि सर्व द अर्ज। द नेक्स्ट पॉइंट इज बी वेयर ऑफ लिमिनल मूवमेंट। अब ये लिमिनल मूवमेंट क्या होता है? जब कभी भी आप बच्चों एक टास्क कर रहे होते हैं और एक टास्क से आप दूसरे टास्क में जाते हैं, जैसे मान लीजिए आपने आपको इंस्टाग्राम यूज करना था, आप इंस्टाग्राम में रील्स देख रहे थे, 4 से 4:30 का आपने टाइम रखा था, फिर उसके बाद 4:30 से आपको पढ़ने बैठना था। तो अब ये जो लिमिनल टाइम है ना, ये क्या होता है कि एक टास्क, जैसे कि आप रील्स देख रहे हैं उसके बाद आपको पढ़ने बैठना है, तो आप पढ़ने की टेबल पर जाकर के तो बैठ गए लेकिन रील्स आर कंटिन्यू, तो आप पहला वाला टास्क खत्म नहीं किया और आप दूसरे टास्क में एंटर कर चुके हैं। इस चीज से बचना है। ये जो ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम वन टास्क टू अनदर टास्क है, यहीं पर ये जो टाइम लैगिंग है बच्चों, ये जो टाइम लैगिंग है यहीं पर बचना है आपको। तो हम लोग जब एक टास्क को पूरी तरीके से खत्म कर दें तभी दूसरे टास्क को पकड़े। हम लोग पहले टास्क को अगर खत्म नहीं किया तो दूसरे टास्क पर जाकर के नहीं बैठना है। और टाइम लिमिट अगर आपने सेट कर रखी है तो अगर 4:30 है तब आप उसे बंद करें। तो ये तभी हो पाएगा जब आप ये जो लिमिनल मूवमेंट है, जो बीच का जो शिफ्टिंग पॉइंट है, जब आप इसको मैनेज कर पाएंगे। तो आपको क्या करना है बच्चों, रुक जाना है यहाँ पर, इस वाले को रोकना है, तभी अगला वाला शुरू करना है। अगला वाला शुरू ही ना करें, यानी कि दो टास्क एक टाइम पर नहीं करना है, इस बात को ध्यान रखना है, तभी आप लोगों का लिमिनल मूवमेंट जो है वो सही हो पाएगा। बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट की। एंड द नेक्स्ट पॉइंट एंड द वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, यू आर नॉट पावरलेस। सारी पावर्स आपके पास है, आपका फोन आपके पास है, वो कंट्रोल होगा आपके हिसाब से। जिस ऐप की आप नोटिफिकेशन ऑन करेंगे उसी की नोटिफिकेशन ऑन होंगी, जिसकी बंद कर देंगे वो बंद हो जाएगी। जिस ऐप को आप ओपन करेंगे वही ओपन होगी, जिसे आप इंस्टॉल करना चाहेंगे वही इंस्टॉल होगा, जिसे आप अनइंस्टॉल करना चाहेंगे वही अनइंस्टॉल हो जाएगा। तो इस बात को आप लोगों को समझना है दैट यू आर नॉट पावरलेस, आप जो चाहें वो कर सकते हैं। इस बात को आपको समझना है और मानना भी है। So, ये 5 पॉइंट है बच्चों मेरी तरफ से डिस्ट्रैक्शन के लिए, एंड आई होप आपको समझ में आए होंगे ये पांचों के पांचों पॉइंट। जो मैंने स्पेशल सरप्राइज की बात कही थी आप लोगों से, वो स्पेशल सरप्राइज अब मैं आप लोगों को बता दूं, जितने भी क्लास 10th के स्टूडेंट्स हैं उन सभी के लिए केल्विन वीकली 2 टेस्ट करवा रहा है, ताकि आप लोगों को जो फोकस है वो अपने टर्म 2 एग्जाम पर ही रहे। और उसके लिए हम लोग क्या कर रहे हैं, हमारी केल्विन लाइव ऐप पर हर वेडनेसडे एंड संडे आप लोगों के लिए टेस्ट लेकर के आ रहे हैं। जैसे कि आप लोगों को पता है, अगर आज आप वीडियो देख रहे हैं तो आज ट्यूसडे है, कल आप लोगों का टेस्ट है, और अगर आज वेडनेसडे है तो बच्चों आज भी टेस्ट है। अगर आप लोगों ने टेस्ट देने के लिए केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड नहीं किया है तो बच्चों अभी के अभी केल्विन लाइव ऐप को डाउनलोड करें, हर वेडनेसडे और संडे आकर के टेस्ट दें और खुद का सेल्फ एनालिसिस करें कि आप लोगों की पढ़ाई किस लेवल पर चल रही है और कितनी और जरूरत है आप लोगों को। सो इसी के साथ बच्चों मैं आप लोगों से कहता हूं अलविदा, और मिलता हूं आप सभी लोगों से नेक्स्ट काम की वीडियो में।